हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विकास और मैं आपसे का नॉलेज भी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पूरा स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सन 2019 के सारे सेट, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5, सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7, इसके अंतर्गत जितने भी नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंथेटिस के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, उसके बाद आने वाले और वीडियोस में मैं ट्रांसफॉर्मेशन के सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा और उसके बाद आपको सारे ही क्वेश्चंस में सिंटेक्स के कवर करके प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए और आसानी से आप 2019 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 तक जो भी नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार है तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सन 2019, ठीक है, 2019 का है और सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। और अगर आपको सेक्शन ए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को विजिट करके आप सारे टॉपिक्स पर जो भी सेक्शन ए के अंतर्गत पूछे जाते हैं उनका वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेट नंबर 7 से फिर उसके बाद नीचे आएंगे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर है 19 का ए है, ठीक है, इसमें आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नरेशन से, ठीक है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेट नंबर 7 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया था नरेशन का वह देखते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, इन द किचन नाउ। तो यह हमारा डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो अब आपको 2020 के भी जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा दो नरेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा, केवल एक का ही आंसर देना होगा। और जो दूसरा था वह है द संत सेड टू हिज पीपल्स, द संत सेड टू हिज पीपल्स, क्या कहा है, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो यह हमारा नरेशन का दो क्वेश्चन था जो 2019 के सेट नंबर 7 में पूछा गया था। तो चलिए इसका अब हम आंसर देखते हैं। तो पहले का जो आंसर है अर्थात पहला जो हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं, तो द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी मालिक ने अपने नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, तुम अब रसोई घर में क्या कर रहे हो। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम लोग सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो लिखना होगा द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, हम लोग व्हाट को ही कंजक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बना रहा है, यू को बदलेंगे ही सर्वेंट के अनुसार तो ही हो जाएगा व्हाट ही, टेंस चेंज कर देते हैं, व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। और नाउ को चेंज करना है किसमें, देन में। तो यह हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द सर्वेंट आस्क हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन देन, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, तो इसमें है द संत सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट, यानी साधु ने अपने शिष्यों से कहा शांत हो जाओ एंड लिसन टू मी केयरफुली, और मुझे सावधानी पूर्वक सुनो, तो शांत हो जाओ और मुझे सावधानी पूर्वक सुनो। तो इसमें आपको ज्यादातर जो सेंस देखने को मिल रहा है वह है ऑर्डर का, आप एडवाइस से भी बना सकते हो लेकिन ऑर्डर बेटर है, तो हमको ऑर्डर से ही बनाना होगा, द संत ऑर्डर्ड
ordered his peoples, अब इसके बाद इन्फिनिटिव बना देते हैं, टू बी क्वाइट एंड टू बी क्वाइट एंड टू लिसन, याद रखिएगा लिसन से पहले भी आपको टू लिखना होगा एंड लिसन, इसे भी इन्फिनिटिव बनाना होगा एंड लिसन टू, मी को चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, लिसन टू हिम केयरफुली। तो यह आसानी से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। तो यह सेट नंबर 7 के अंतर्गत पूछा गया था। अब हम देखते हैं जो कि हमारा सेट नंबर 6 के अंतर्गत पूछा गया था जो नरेशन का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे जब, तो आपको सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे वह नरेशन हो, चाहे आपका सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे सिंटेक्स हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो, जो भी आप चाहते हैं मेरे चैनल को विजिट करके आप गेट कर सकते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत जो भी इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, केवल कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि ऐसे, तो ऐसे का भी मैंने स्टार्टिंग कर दिया है। उसके बाद अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए, यही जो है हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो कि जल्द ही मैं आपको कवर करके शो कर दूंगा। इसके बाद देखते हैं सेट 2019 का सेट नंबर 6 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेट नंबर हमारा 6, ठीक है। अब सेट नंबर 6 देखते हैं, तो इसमें नरेशन का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह देखते हैं। वह है मोहन सेट टू मी, मोहन सेट टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, गुड इवनिंग आई एम प्लीज टू सी यू, गुड इवनिंग आई एम प्लीज्ड, मैं प्रसन्न हूं, आई एम प्लीज टू सी यू, यानी मैं तुमसे मिलकर या तुमको देखकर प्रसन्न हूं, आई एम प्लीज टू सी यू। यह हमारा हो गया, बस यही तक है। तो इसमें दो तरह का सेंटेंस आया, गुड इवनिंग जो है यह हमारा चला गया ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और आई एम प्लीज टू सी यू हमारा यह असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में भी, चलिए दूसरा भी लिख देते हैं डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन, उसके बाद दोनों को ही इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगला है माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिता ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, आर यू फीलिंग वेल। इसके बाद आगे है आई रिप्लाइड यस, मैंने हाँ में उत्तर दिया, ठीक है। तो यह हमारा हो गया दूसरा। अब इसके बाद हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो पहले वाले को पहले इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसके बाद दूसरे को। तो सेट 6 में यह क्वेश्चन पूछा गया था नरेशन का, तो मोहन सेट टू मी गुड इवनिंग, तो मोहन गुड इवनिंग मिलते समय बोला जाता है, तो मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग, रोहन विश्ड मी गुड इवनिंग, इसके बाद असर्टिव है एंड सेड दैट, असर्टिव तो कंजक्शन दैट, आई को बदलेंगे तो ही वाज प्लीज्ड टू सी मी, यू को बदल देंगे तो हो जाएगा हमारा मी, तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आपका मी हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट ही वाज प्लीज टू सी मी। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तुम्हारा जो दूसरा है माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, तो माई फादर आस्क्ड मी, कंजक्शन आप इफ या वेदर यूज कीजिए, मी आस्क्ड मी इफ, यू को बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो आई हो जाएगा आई, टेंस बदल देंगे तो आई वाज फीलिंग वेल, कि क्या मैं अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बाद
आई रिप्लाइड दो तरह से कर सकते हैं, आई आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में कर सकते हैं, या आई रिप्लाइड दैट आई वाज, इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहो तो इसको हटाकर आई रिप्लाइड दैट सॉरी आई रिप्लाइड इतना पूरा हटाकर आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे या यूज कीजिए दैट आई वाज या फिर आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो यह तो हो गया सेट नंबर 6 के अंतर्गत जो नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग सेट नंबर 5 का देखते हैं। सॉरी तो अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आप मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से आप तैयार भी कर लेंगे। और एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा किस तरह से आपको अच्छी तरह से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना चाहिए ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सेट नंबर 5। ठीक, सेट नंबर 5 देखते हैं। तो सेट नंबर 5 में पहला जो नरेशन का क्वेश्चन है वह है ही सेड टू मी। इसके बाद है डिड यू नॉट अब्यूज माय ब्रदर यस्टरडे, डिड यू Not abuse my brother yesterday, क्या तुमने मेरे भाई को कल गाली नहीं दिया। यह हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा है the teacher said to the boys don't talk nonsense, the teacher said to the boys don't talk nonsense, यानी बकवास की बात मत करो या बकवास मत करो, nonsense, ठीक है। तो यह हमारा हो गया, यह दो क्वेश्चन हो गए। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहले वाले को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माय ब्रदर यस्टरडे, तो क्वेश्चन पूछा गया तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई भी आप चुनाव करिए। इफ यू को चेंज करेंगे तो आई, टेंस चेंज करेंगे तो हैड नॉट हो जाएगा यानी कि पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट अब्यूज, और माई को चेंज करेंगे तो हीज हो जाएगा हीज ब्रदर, और यस्टरडे को चेंज करेंगे तो द प्रीवियस डे, ठीक है। यह हमारा इसमें चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है देखिए इसी में द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस, तो इसका मतलब है अध्यापक ने बच्चों लड़कों से कहा बकवास की बात मत करो, यानी कि अध्यापक ने बच्चों को लड़कों को बकवास की बात करने से मना किया। द टीचर, आप चाहो तो ऑर्डर से भी जा सकते हो बना सकते हो, द टीचर फॉरबिड वेटर पढ़ता है, द टीचर फॉरबिड द बॉयज, अब पूरा डू नॉट को हटा दीजिए और इसको इन्फिनिटिव बनाइए टू टॉक नॉनसेंस, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड की जगह ऑर्डर करोगे, जब ऑर्डर करोगे तो डू को केवल हटाओगे नॉट को रहने दोगे और उसके बाद इन्फिनिटिव बना देंगे टॉक को, ठीक है। तो यह हो गया हमारा जो दो सेट नंबर 5 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था नरेशन का। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4। तो इसी तरह से मैं आपको सिंथेटिक्स सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी आंसर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अनसॉल्व से आप सोल्यूशन शुरू कर दिए होंगे
तो अगर उनको अपने आंसर को मैच करना है तो इस वीडियो को देखकर वो आसानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद हम लोग सेट नंबर अब देखते हैं 4। ठीक है, तो सेट नंबर 4 मैं ज़रा देखता हूँ किस तरह का क्वेश्चन है। तो सेट नंबर 4 इसमें है ही सेड टू द टीचर, पहला है ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, ही सेड टू द टीचर। इसके बाद क्या है, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। ठीक है, तो विल यू नॉट टीच मी टुमारो, यह हो गया पहला वाला। दूसरा वाला जो है उसको देखते हैं, तो दूसरा वाला जो है वह है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, वृद्ध व्यक्ति ने लड़के से कहा डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, वाइल आई एम वर्किंग। ठीक है, तो यह दो डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे सेट नंबर 4 के अंतर्गत। तो इनका आंसर देखते हैं, पहले का देखते हैं सबसे पहले। तो ही सेड टू द टीचर सर विल यू टीच मी टुमारो, यानी उसने एक अध्यापक से कहा क्या श्रीमान कल आप मुझे पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है सर लगाया तो रिस्पेक्ट से पूछेगा, तो ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर, ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद हमको कंजक्शन इफ या वेदर लगाना है, तो चलिए हम फिलहाल इफ ही लिखते हैं। ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द टीचर इफ, यू को बदलेंगे तो ही, जो कि किसके लिए लिखा गया है, टीचर के लिए। ही विल को चेंज करेंगे तो वुड, ही वुड नॉट टीच, और इसके बाद मी को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो हिम, और टुमारो को चेंज करेंगे तो हो जाएगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो इस तरह से देखिए, मैं केवल इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आंसर, आपको अगर समझना है तो इस टॉपिक पर मेरा वीडियो वॉच कर लीजिए कि किस तरह से बनता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, तो आप आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, और पर्सन चेंज करने का मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ। इसके बाद है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फॉरवर्ड से जाइए या फिर ऑर्डर से जाइए, तो चलिए फॉरवर्ड से बेटर है। तो लिखेंगे द ओल्ड मैन सेड टू को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड द बॉय, फॉरवर्ड द बॉय, डू नॉट सबको हटा देंगे, टू डिस्टर्ब मी को चेंज कर देंगे तो ही, वाइल, इसके बाद आई एम वर्किंग तो ही वाज वर्किंग। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो यह सेट नंबर 4 था, अब हम देखते हैं सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 के अंतर्गत जो नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे अब उनको देखते हैं। जल्दी से मिटा देता हूं मैं इनको। तो एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी सेम यही है नॉलेज भी, वहाँ पर मैं कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है मैंने इंस्टाग्राम इसलिए स्टार्ट किया कि मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ फ्यूचर में भी ज्वाइन रहूँगा, जब आप इंटर पास कर लेंगे तो भी आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड करते रहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, कि किस तरह से आप अच्छे खासे अपने फ्यूचर को ग्रो करें। ठीक है, और बेचू की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए सजेस्टेशन भी दूँगा। तो इसके बाद देख सकते हैं, यह हमारा सेट नंबर 4 था, अब सेट नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो सेट नंबर 3 का देखते हैं क्वेश्चन। तो सेट नंबर 3 में था, पहला जो क्वेश्चन हुआ था द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन
सेड, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, याद रखिए दिशा से पहले आर्टिकल द आता है, ईस्ट एवरी डे प्रत्येक दिन। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा सूर्य हर दिन पूरब में उगता है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसा कि आपको भी पता है। इसके बाद दूसरा पहले लिख देते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। तो इसका आंसर देखते हैं, तो पहला है, इसको इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं, द ओल्ड मैन सेड, तो इसमें तो केवल कंजक्शन दैट लगाना होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, तो लिखेंगे द ओल्ड मैन सेड दैट द सन, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के नाम से भी पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, याद रखिए आपको सिंटेक्स में काफी काम देगा। इन द ईस्ट एवरी डे, तो इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा तुम लोगों ने अपना होमवर्क यानी अपना वर्क या अपना कार्य आज पूरा क्यों नहीं किया है, तो पूछ रहा है टीचर, तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ask the students, conjunction issue को बनाएंगे interrogative word को why और उसके बाद शेष वाक्य को assertive, तो students के अनुसार दे हो जाएगा, why they had not completed your को बदल देंगे तो their work, today को change कर देंगे तो that day, तो यह हमारा indirect narration में आसानी से change हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट नंबर 2 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे नरेशन के उनको, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि मैं सारे ही क्वेश्चन जो नरेशन के अंतर्गत पूछे गए थे 2019 के सारे सेट्स में उनको कवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से किस सेट के अंतर्गत नरेशन का क्या आंसर होगा। तो मैं एक बार आप लोग को और याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज बीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऐसा बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। तो अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2, तो सेट नंबर 2 के अंतर्गत देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पूछा गया था क्वेश्चन ही सेड उसने कहा How beautiful the rain is, ठीक है, आप लोगों के अनुसार में हो सकता है कि इज पहले लिखा हो तो वह गलत है। इसके बाद जो दूसरा है सुकरात सेड टू हिज पीपल्स, इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, बी क्वाइट शांत हो जाओ एंड हैव पैटियंस, हैव पैटियंस से देखिए एडवाइस का भाव आएगा एंड हैव पैटियंस, तो यह जो हमारा हैव पैटियंस है एडवाइस का भाव क्रिएट कर दे रहा है, तो हम ऑर्डर पे नहीं जाएंगे फिलहाल, चलिए पहले का आंसर देखते हैं, तो पहले वाले को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रैन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम लोग को इस तरह से हम लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन हमारा दैट आता है, दैट
उसके बाद असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा, द रैन, टेंस बदल देंगे वाज, वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है इसलिए हमारा हाउ वेरी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, तो इसमें सुक्रास सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट, शांत हो जाओ, अगर केवल शांत हो जाओ होता तो ऑर्डर पे जाते, लेकिन यहाँ पर है पैटियंस भी है, धैर्य रखो, तो इसका मतलब एडवाइस में चला जाएगा। तो सुक्रात एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड टू हैव को नहीं चेंज करेंगे हेड में, टू हैव पैटियंस। तो यह हमारा इनडायरेक्ट बन गया। तो यह सेट नंबर दो के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे, अब सेट नंबर वन का देखते हैं आंसर। थोड़ा सा हमको जुकाम भी हो गया, इस वजह से थोड़ी सी आपको आवाज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब लास्ट सेट जो पहला अर्थात है उसको देखते हैं। तो सेट फर्स्ट 2019 के अंतर्गत सेक्शन बी के बी में जो नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, अब वह सेट वन के अंतर्गत जो पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो पहला जो सेट है उसमें देखते हैं, तो इसमें है ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ही सेड, उसने कहा लेट्स स्टॉप हियर, चलो यहाँ रुकते हैं, लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़े समय के लिए आराम करते हैं, फॉर अ वाइल। तो यह पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो पूछा गया है वह देखते हैं, संतोष सेड टू राजेश, संतोष सेड टू राजेश, क्या कहा, प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, प्लीज कृपया लेंड मी, मुझे उधार दो, योर डिक्शनरी, अपने डिक्शनरी को, योर डिक्शनरी। तो चलिए पहला वाला पहले आंसर देखते हैं। तो पहले वाले को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ही सेड लेट स्टॉप, चलो हम लोग रुकते हैं, हियर मतलब यहाँ, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़े समय के लिए आराम करते हैं। तो यहाँ पर सजेस्टेशन का भाव है, या प्रपोज्ड पे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सजेस्टेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन ही केवल है तो हम लोग दे में जाएंगे, दे शुड स्टॉप हियर को चेंज करेंगे तो देयर में हो जाएगा, दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद दूसरा जो है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो यह हो जाएगा संतोष, देख सकते हैं इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, प्लीज आया है, तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लेंड हिम, मी को चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, आप चाहो तो ब्रेकेस्ट में लिख सकते हो, किसके लिए है, संतोष के लिए लिखा गया है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद योर डिक्शनरी, इसका मतलब हिज डिक्शनरी, हिज किसके लिए लिखा गया है, राजेश के लिए, ऐसे ब्रेकेस्ट में आप चाहो तो लिख सकते हो हिज डिक्शनरी, ताकि अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए किसके लिए डिक्शनरी, ताकि स्पष्ट हो जाए कि हिज किसके लिए लिखा गया है, हिम किसके लिए लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने सन 2019 के अंतर्गत जो भी नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे सेट वन से लेकर सेट सेवन तक, मैंने आपको इस वीडियो में आंसर के साथ शो किया। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।